हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइएस क्लासरूम प्यारे विद्यार्थियों आपका प्लीमरी सोलह जून को उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्लीमरी के लिए ऐसा कोर्स तैयार किया है करंट अफेयर्स का जिसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इतना स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको इंडिया में कहीं पर भी नहीं किसी भी टेस्ट में वो क्वेश्चन नहीं आज मैं करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आया हूँ सबसे पहले आपको होली की मुबारक शुभकामनाएं देता हूँ और ये करंट अफेयर्स की वीडियो में जो है जो मैंने क्वेश्चन निकाले आज आपको बड़ा अचंबा होगा कि मुझे चार घंटे लगे इसका मतलब आपके मैंने तीन घंटे बचा दिए मैं एक प्रोफेसर आपके तीन घंटे बचा देता है रोजाना या दो घंटे बचा देता है तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होगा देश का नहीं सीएससी स्टूडेंट्स के लिए और मैंने पंद्रह क्वेश्चन निकाले हैं अभी चार पांच और निकलेंगे और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे और आप खुद आज न्यूज पेपर पढ़ के फिर टेस्ट करना मेरे क्वेश्चन को क्या आपने निकाले हैं यदि आपने ये क्वेश्चन निकाल दिए इस तरह से वो सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ से भेज दूंगा जिन्होंने कोर्स में रजिस्टर किया है पंद्रह सोलह जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को आप मिलाना और तीन चार क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन भी मिलाना कि आपने निकाले हैं तब पता चलेगा आपका करंट अफेयर कितना स्ट्रॉन्ग है तो इस कोर्स में पर्टिकुलरली जिन बच्चों ने कम रजिस्टर किया है खास बात ये है कि वो हंड्रेड परसेंट ये मुझे बड़ा घना चंबा आया जब पूछता हूँ कहता है ऐसा कोर्स तो मिल ही नहीं सकता इंडिया में हम कई साल से ढूंढ रहे थे इसमें लाइव क्लासेस सारे डाउट्स एग्रीकल्चर एन्योलिटिकल साइंस जियोग्राफी और डाउट्स दो हजार से ज़्यादा ऐसे जो कहीं पे भी नहीं है, किसी टेस्ट में करंट अफेयर्स के थीम तो मिल जाएगा लेकिन क्वेश्चन के स्ट्रक्चर मैं खुद करता हूँ सुबह उठ के तीन चार घंटे लगाता हूँ तो एक साल के क्वेश्चन एक मई 2023 से और इससे मतलब जो देखिए आप करंट अफेयर्स तो यही एक तरीका परफेक्ट स्ट्रेटजी है और कोई स्ट्रेटजी नहीं है आप मुझे बता दिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इससे ऊपर है तो मैं वो जो ना स्ट्रेटजी में फॉलो करूँ तो इसलिए अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए और कम से कम आपके एट्टी परसेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ठीक हो जाए ये मैं समझता हूँ इसके लिए इमिजिएटली आज ही जो है आप इस कोर्स को रजिस्टर कीजिए बड़ी मेगर सी फी रखी है सिर्फ मैं कुछ नहीं लेता आपसे की जो है सैलरी के लिए रखा है वो अभी तो आज हम चलते हैं देखिए है, कितनी अच्छी मैं न्यूज लेके आया हूँ आज न्यूज पेपर में और कैसे क्वेश्चन है अब ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में देखिए कितना इंपॉर्टेंट आया मम्स पे हेल्थ का मैंने बताया एक क्वेश्चन आएगा डिजीज पे अब केरला में जो है सबसे ज्यादा ये इंक्रीज हो मम्स केसेस अभी चिल्ड्रन में एडोल्सेंट में ये पूछ लेते हैं ये चिल्ड्रन में आती है एडोल्सेंट में आती है किस में आती है दोनों में आती है तो ये डिजीज ऐसी है कि केरला में सबसे ज्यादा है और आसपास कर्नाटक तमिलनाडु में भी आई है लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है, इंक्रीज में है। सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप खत्म हो जाती है।, है इसमें लिखा हुआ है न्यूज में मीजल में डेथ होती है लेकिन इसमें नहीं है मम्प्स क्या है क्या सिम्टम आते हैं देर इज पेनफुल स्वेलिंग ऑफरी ग्लैंड ऑन बोथ साइड फेस दोनों तरफ सूज जाता है ना स्वेलिंग आ जाती है फेस पे और हमारी स्लैमरी ग्रैंड जो है ना वो सूज जाती है ऐसे ऐसे हो जाता है दोनों तरफ इसका मतलब तो वो मम्स है आपने सुना भी होगा एम एम आर मम्स निजल्स रूबेला ये यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में है एम एम आर तो तीनों डिजीज का पूरा पता होना चाहिए कम से कम आठ स्टेटमेंट पता हुई जब आपका ठीक होगा इसकी ये स्टेटमेंट चार तो मैंने दे दी आपको चार और निकाली है वो आपको पीडीएफ में भेज देंगे सारे क्वेश्चंस पंद्रह सोलह जितने भी अब ये साइंस पेज पर आया है मुझे पूरी जो है मुझे पूरा विश्वास है कि 11 लाख बच्चों में कोई एक दो बच्चा ज्यादा अलर्ट होगा वो पढ़ेगा इसको बिग शॉर्ट का मैं हमेशा लेके आता हूँ लास्ट साइंस पेज पे आती है इसमें दो क्वेश्चन रोज आते हैं डेली अब ये इतनी इंपॉर्टेंट है एक तो ये फिनोमिन है एनोमली है जियोलॉजिकल एनोमली इसका नाम है पोजा डी ला कशिदा ये एनोमलीज पूछ लेते हैं क्या एनोमली है ये डी ला मिसर ये क्या है कि ये एनोमली आई है ओट्रा साइने गैस ये एक वेटलैंड है कहाँ पे है ये वेटलैंड ये पता होना चाहिए आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है ओट्रा पहले तो आपको एनोमली पता होना चाहिए जोलॉजिकल एनोमली का नाम क्या है ये फिर इसका वेटलैंड का क्या नाम है ओट्रा साइने वेटलैंड इन चीहू हुन डेजर्ट ये डेजर्ट का नाम है मेक्सिको में वहां पे क्या है कि एंडेमिक इतनी स्पीशीज है वगैरह देखे मरी हुई दिखा रहे हैं तो क्योंकि इसमें पानी ड्रेन आउट हो गया ये न्यूज है ऐसे पूछ लेते हैं कई बार किसी लेक का ड्रेन आउट हुआ है पानी ये वेटलैंड का हुआ ये है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में और ये कोई भी नहीं कर पाता हंड्रेड परसेंट बच्चे जो है इससे बाहर रहते हैं इस क्वेश्चन से टच ही नहीं कर सकते इसको सिर्फ ये आपके पास है जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं अब ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वैसे निकाल दिया मैंने अब ये भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है टेक्सट एंड कंटेक्ट में हिंदू में वट आर द न्यू रूल्स फॉर एलिफेंट ट्रांसपोर्ट देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2024 में अभी रूल लेके आई है इसी महीने में क्या नाम है उसका कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसपोर्ट रूल 2024 हजार चौबीस देखिए साउथ में क्या है साउथ में ज्यादातर केरला में रिलीजियस परपज के लिए जैसे भी है ना वहाँ पर कैप्टिव एलिफेंट्स रखे हुए ठीक है ना तो वो जो है ट्रांसफर करने के विद इन स्टेट और बिटवीन द स्टेट क्या रूल है रूल चेंज किए हैं इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट के आप पढ़ते रहते हैं दुनिया भर की किताबें क्वेश्चन ही आते हैं क्योंकि सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने लग गए एट्टी परसेंट और सारे मेरे जो है दो हजार के दो हजार क्वेश्चन एक मई से दो हजार तेईस से सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इससे अंदाजा लग जाएगा कि मेरी वीडियो किस तरह की है अलग हटके हैं सबसे पूरे इंडिया में इनोवेटिव। है, है ये आप सभी को पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से एक की उम्मीद है दो तीन साल से आया नहीं इस रूल में क्या कहता हैं कैन नॉट बी कैप्चर्ड और ट्रेडिड नहीं किया जाता और कैप्चर नहीं किया जाता वाइल्ड में से एनिमल इस एक्ट में है लेकिन ये जो मिनिस्ट्री ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रूल बनाया है कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट दो हजार चौबीस का इसमें ट्रांसफर किए जा सकते हैं विदिन और ट्रांसफर में फर्क है देखिए कैप्चर और क्रेडिट में फर्क है कैप्चर क्रेडिट अलग है वो बैंड है शेड्यूल वन में बट ट्रांसफर अलाउड है इस एक्ट में और इस एक्ट के अंडर ये रूल बने है, ये याद रखना पूछ ले ये 2024 का रूल जो है ये से एक्ट में अंडर है एनवायरमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट क्या दे देंगे एक्ट के फॉरेस्ट का सारे दे देंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे इस तरह से इन्होंने कहा है कि कैसे कर सकते हैं उसमें रूल बताया है मैंने इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है मेरे पास। तो सारे निकाली इस से मैंने। आप भी बगैर तो नहीं कर, सकते है कोई भी का। कर रहे हैं आप ट्रांसलोकेट भी स्पेशल है, एजुकेशन और साइंटिफिक दो ही पर्पज है फिर जो है एनिमल्स जितने भी है शेड्यूल के एनिमल्स वो ट्रांसलोकेट किए जा सकते हैं बट विद द परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट विदाउट हार्मिंग एनिमल और कलेक्शन ऑफ फॉर म्यूजियम के लिए की जा सकते हैं वो परमिशन से ठीक है ये है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इतने ब्रीक से। और वो अनकन्वेंशनल है जिनको आप मोस्ट डिफिकल्ट कहते हैं ऐसे क्वेश्चन मैंने दो हजार इकट्ठे कर दिए आपके लिए अब ये आपके पास है इसमें कोई ऐसा नहीं है ये तो ये है कि भाई ये आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसका हेडक्वार्टर का है जैसे क्या काम है वर्किंग ग्रुप फॉर प्लेनेटरी सिस्टम नॉम एन इन्होंने नोम कलेचर को अप्रूव कर दिया हमारे जो टेसियो शिव शक्ति के नाम से जो प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति दिया था ना चंद्रयान तीन की जो लैंडिंग हुई थी हमारा तो जो लैंडर वॉन्ज है विक्रम लैंडर लैंड किया था ना पच्चीस अगस्त को जो कि नेशनल स्पेस डे उसकी जो है इन्होंने अप्रूव कर दिया ये इंटरनेशनल बॉडी है ये आपको पता होना चाहिए तो जो है कोरल ब्लीचिंग पे इतना अच्छा आर्टिकल कहीं नहीं मिल सकता जी ये ये किसी किताब में नहीं है शंकर आइए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें से कम से कम मैंने जो ना ना अर्धा स्टेटमेंट निकाल दी एक तो ये इम्पोर्टेंट है कहीं पे भी नहीं है ये जो हेल्दी कोरल है ना और जो ब्लीच हो गए कोरल क्लाइमेट चेंज से या ह्यूमन एक्टिविटी से या टेम्परेचर राइज से ग्लोबल वार्मिंग से उनकी और उनके साउंड में फर्क है दोनों के साउंड अलग अलग है कम्युनिकेशन करते हैं आपस में लेकिन उसकी साउंड अलग है हेल्दी की और

जो जेंथली एलगी है जो उसको अलग कर देगी इनका सिम्बेटिक रिलेशनशिप है तो ब्लीचिंग हो जाएगी ग्रीन नींद नजर आएगा आपको वो वो अल्टीमेटली दे डाई कोरल रीफ मर जाएंगे इसको क्या कहते हैं कोरल ब्लीचिंग ठीक है तो इस तरह से सारे इफेक्ट हो रहे हैं ग्रेट कोरल रीफ जो है आपका इसका ऑस्ट्रेलिया का यूएसए का ये सारे हो रहे हैं अब इसके बाद देखिए आप इसमें एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है कि इनकी साउंड है कम्युनिकेशन करते हैं आपस में ये और कम्युनिकेशन में क्या है कि जो हेल्दी कोरल है उनके कम्युनिकेशन की साउंड अलग है और तो डिजीज की अलग है मतलब के अलग है इसमें और देखिए स्टैग हॉर्न कॉरल स्टैग हॉर्न कॉरल पूछ लेंगे कहाँ पे है मैन नाई आईलैंड मैन नाई आईलैंड कहाँ पे है? ये पूछ लेंगे ये थाईलैंड में इस तरह के मैंने जो ना कम से कम दस बारह स्टेटमेंट निकाल दी इसमें से इस क्वेश्चन से आप निकालो अलग इसमें यह भी बताया गया है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप्स है ना जो वो एक ग्रुप होता है उनका एक कोरल ग्रुप इज ए कॉलोनी कोरल ग्रुप की कॉलोनी है जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पोलिप्स ये भी पूछ लेंगे कभी एक स्टेटमेंट में वो सिमिलर है डिसिमिलर है फिर ईच इज लाइक एनिमल पोलिपे एनिमल होता है तो कुछ मिलीमीटर mm वाइड है कुछ सेंटीमीटर टोल है और इसके टेंटेकल्स हैं और माउथ लाइक ओपनिंग है

ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा कहीं पे भी फिर भी आपको पता होना चाहिए एंटी एंटीप्रेसी एक्ट के अंदर पावर दी गई है इंडियन नेवी को भी और कोस्ट गार्ड को एंटीपे जैसे सोमालिया के जो पिरेट है उनको हम पकड़ सकते हैं पावर है हमारे पास चाहे एक्सटाडिशन हो जाए बाद में तो इसमें लिखा है ऑपरेशन संकल्प क्या है ऑपरेशन संकल्प क्या है गल्फ ऑफ एडन में हमने चलाया है इंडियन नेवी ने और वो जो है सोमालिया के जो रेट्स हैं उनके लिए चला उनको पकड़ने के लिए ताकि वो डिस्टर्ब ना करें भी कंट्री के मेरी टाइम एंटीप्रेसी में, एंटी में किसका पावर है दो हजार बाईस में बना ये ज्यादा पुराना नहीं है जिसमें इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों को है कोस्ट गार्ड भी है और कोस्ट गार्ड पे कई साल से क्वेश्चन आया वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट आपको आने चाहिए कम से कम अब ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए आपको के के भी लिविंग के भी कौन कौन एक इंसान जो ना कितने इंसान की जान बचा सकता है ऐसे मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए आपके पिछले पी में जिनको बच्चों ने रजिस्टर रे, किया उनके पास सबके पास है वो तो ये नोटो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और थोटा के अंडर है ये एक्ट के अंडर बनी है इसका काम है सर ऑर्गन को वो कॉमर्शलाइज ना हो जाए कोमर्शलाइज उस पर सारे रूल बनाती है ये ठीक है तो इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तो कॉमर्शलाइजेशन ना हो जाए और एक मैं आपको और बताता हूँ कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा पिग की किडनी जो है फर्स्ट टाइम यूएसए में ट्रांसप्लांट कर दी जीएम जीन मॉडिफिकेशन करके पिग के जीन मॉडिफाई करके वो जीएम किडनी कह सकते हैं वो उन्होंने जो है वो कर दी अभी तक वो इंसान जिंदा है यूएसए में फर्स्ट टाइम तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे क्वेश्चन ही आया कई साल से तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है भाई तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्यूबर क्लोसिस क्वेश्चन आएगा इतने आर्टिकल आए हैं कम से कम ज्यादा नहीं तो चालीस पचास आर्टिकल मैंने डिस्कस कर चुका हूँ मैं इस साल में अब ये स्पेनिश ट्यूबर क्लोसिस क्या है पहले ये पता होना चाहिए आपको फिर भारत बायोटेक ने ट्रायल शुरू कर दिया इसके वैक्सीन बनी नहीं है बन जाएगी और ये एम टी बी वी ए सी ज द ओनली वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस अंडरगोइंग ट्रायल्स बेस्ड ऑन ए जेनेटिकली मोडिफाइड फॉर्म ऑफ माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकोसिस जीएम ट्यूबरक्लोसिस जो जियम बैक्टीरिया ना इसके ट्यूबरकोस उसके उस बेस्ट पे क्लिनिक ट्रायल हो रहे हैं ये इसका पैथोजन है माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरकोलोसिस ठीक है ना तो इसमें से आप आठ छह सात स्टेटमेंट निकालोगे ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक से क्वेश्चन नहीं इकोनॉमिक्स क्वेश्चन वो आएंगे जो आपको प्रैक्टिकल आएंगे जो आपको नहीं आते स्टैटिक में से कम आएंगे बड़े अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन क्या होती है मैं समझा देता हूं आपको जो मुझे समझ आया इस आर्टिकल में देखे मंडे को एक आर्टिकल आता है ये कभी आपका जो है बीटा भी, स्टॉक पे आ गया कभी कोई स्मॉल कैप पे आ गया लार्ज कैप पे आ गया मिड कैप इस तरह के जो ना टर्म्स आते हैं इसमें डिजिटल मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टोर्स की क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स हैव असाइंड टू है फर्म लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इट इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विद आउटस्टैंडिंग शेयर्स बट जितने शेयर है ना उसके आउटस्टैंडिंग मार्केट में कंपनी के उससे मान लिया आज का प्राइस जो ना किसी कंपनी का जो है सपोज रिलायंस इंडिया लिमिटेड है उसका प्राइस उनतीसौ रुपये है उनतीस सौ से मल्टी मल्टीप्लाई कर दो मान लिया उसके आगे सोलह लाख रुपए सत्रह लाख रुपए मान लिया एग्जैक्ट नहीं पता मुझे मान लिया तो रिलायंस इंडिया कैपिटल जो है उसकी कई साल से मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट है दूसरे नंबर पर है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर की जो आज की वैल्यू है चेंज होती रहती है रोजाना ये डेली चेंज होती है क्योंकि शेयर का प्राइस चेंज होता तो है रोजाना जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के उससे मल्टीप्लाई कर दो इसका मतलब क्या हुआ एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे भाई जो एम है उसका शेयर का प्राइस है एक लाख दस हजार रुपये शेयर का और रिलायंस के एक शेयर का प्राइस है उनतीस रुपये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा कौन से शेयर की तो रिलायंस की ज्यादा है क्योंकि उसके शेयर कम है चाहे उसके एक लाख दस हजार है एक शेयर की लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन एम आर की बहुत थोड़ी है इससे रिलायंस से ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो सोच नहीं सकते हम प्रैक्टिकल और मिलेंगे नहीं आपको किताबों में, NCRT में, या दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स आपका रिलायंस का है ये बड़े बड़े स्टॉक है टाइटन है मारुति है ये इनको कहते हैं लार्ज कैप पहले पचास स्टॉक है ये लार्ज कैप में आते हैं फिर आगे जो है ना मिड कैप में आते हैं इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मान बीस हजार करोड़ तो मिड कैप में आएगा जिसकी मार्केट कैप मान लिया पांच हजार करोड़ है वो स्मॉल कैप में आएगा तो स्मॉल कैप जो शेयर है वो, वो हमेशा जो रिस्की होते हैं लेकिन इसमें यह लिखा है जितने म्यूचुअल फंड के ये स्मॉल कैप है उन्होंने पिछले सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है दे आर मोर रिस्की ये मैंने आपसे पहले भी दिया है आपके पीडीएफ में भी चला गया होगा ये क्वेश्चन नाइजीरिया में जो है बड़ा जो ना ये घिनोना काम हुआ है कि वो उन्होंने पुरीगा स्कूल है वहां से बच्चे किडनैप कर लिए थे गनमैन ने एक जो है तीन सौ नाइजीरियन चिल्ड्रन किडनीप कर लिए थे उनमें से एक सौ सैंतीस छोड़ दिया तो इसमें क्या लोकेशन पूछेंगे एक तो कुरिगा स्कूल से इन्होंने जो है वो लिए कादुना जगह है कादुना स्टेट है नाइजीरिया का जहां से ये अब रिलीज किए गए हैं तो मैंने ये इस इसमें कई क्वेश्चन बना के पीछे भेजे नाइजीरिया क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम एबूजा इसकी कैपिटल है और इसकी आप बॉर्डर स्टेट देखने हैं आपने कौन कौन से तो प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो मेरा एक रेफरेंस है नमूना है सैंपल है ऐसे में आपको आज मेरे डेढ़ सौ वीडियो पूरे हो चुके हैं और अस्सी मेरे पहले मैंने दिए हैं दो सौ तीस वीडियो एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन की मैंने पी डी एफ तैयार कर दी आपको भेज रहा हूं जितने ग्रुप में रजिस्टर किए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किए उनके पास सारी पी डी एफ जाएंगे विद दूसरा जितनी पीडीएफ मैंने और बनाई है एग्रीकल्चर एनवाइमेंट्री जितनी भी एनवायरमेंट वो सारी पीडीएफ आपको भेज रहे हैं में ये सारा जो है जितने आपके डाउट्स हैं वो मैं एक और भी मैंने स्टार्ट किया जो एनसीआर में क्वेश्चंस नहीं है मान लिया वीट पे है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस ये एनसीआर टी किसी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको ज्योग्राफी किताब पढ़ते हो आप मैंने ये सारे जो ना ऑल क्रॉप्स ये सारे बढ़ा के ले आ रहा हूँ पीडीएफ पी डीए भेजू आपके आपका एक भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर का चार पांच क्वेश्चन आएंगे गलत ना हो कोई भी अब मैंने आपको इस कोर्स में एनिमल हस्बेंड्री की एग्रीकल्चर की वाइल्ड लाइफ की सीरीज और एग्रीकल्चर के और बना रहा हूँ सारी क्रॉप पे जितना है तो मानसून का इफेक्ट एग्रीकल्चर सारा रिलेटेड और सारी क्रॉप का वो चीज लेके आ रहा हूँ जो एनसीआरटी में नहीं है और इंपोर्टेंट है माल्या कल्याण सोना और सोनाली का वराइटी है इस बार इतना डिस्कस हुआ है ये स्वामीनाथन जी की जब डेथ हुई वीट की रहती है ये मैंने जिस जिसका मेरी एक लाइव क्लास थी उसमें बताया कि तमिलनाडु में यह अजैविक गेहूं की पैदावार होती है यस तमिलनाडु के नीलगिरी और पल्ली हिल रिसर्च स्टेशन है वहां पर रश्त और यूएसटी एक बीमारी आती है जिसकी वजह से फेमिन आते थे तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं पे भी नहीं है और वो यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक में है तो इसलिए इमीडिएटली आप जो है अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है दो महीने में आप मेरे सारे कोर्स का रिविजन कर दो हजार उसका मेरे को उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंडिया में करंट अफेयर्स के मेरे इसमें से आएंगे ये मुझे पूरा डेटर क्योंकि मैं चा, तीन चार तीन या छः चार घंटे रोजाना लगाता हूँ तो एक लाइन पढ़ता हूँ तब लेके आता हूँ और ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कहीं पे भी नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे आसपास है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे थैंक यू वेरी मच